हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। इसके बाद की वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम का जो स्पेसिमन है, जो टाइप स्टडी है हर्डमानिया के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में हम फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्लासिफिकेशन, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, हमने देखा था कॉर्डेटा फाइलम के तीन सब फाइलम होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो अगर हम यूरोकॉर्डेटा की बात करें, ये जो यूरोकॉर्डेटा है, इस वर्ड के अंदर ये जो बना है ग्रीक वर्ड ओरा, जिसका मीनिंग होता है टेल, कॉर्डा मींस रोड एंड एटा मींस ग्रुप, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, टेल के अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर टेल के अंदर रोड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है टेल के अंदर। तो हमने देखा था यूरोकॉर्डेटा कैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ लार्वल टेल के अंदर ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, सबसे पहले हैबिटेट, कहां पे ये रहता है, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है एंड सीडेंट्री होता है। ठीक है, मरीन होगा एक्सक्लूसिवली एंड ये सीडेंटरी होता है, यानी कि ये एक किसी सबट्रैक्टम से अटैच होके वहां पे सीडेंट रहता है, एक जगह पे किसी भी सबट्रैक्टम से रोक हो गई उससे अटैच होके वहीं पे रहेगा। इसके अलावा साइज जो है इसका, ये रेंज करता है फ्रॉम 0.25 mm टू ओवर 250 mm, इस रेंज के बीच में इसका साइज वेरी करता है। इसके बाद नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म कैसे हो सकती है, इसके अलावा बॉडी कलर भी इसका बहुत वैरी करता है। बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, सोलेंट्री हो सकता है यानी कि ये सिंगल रहता है, या तो ये कॉलोनियल होता है। कॉलोनियल का मीनिंग है कि ये कॉलोनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे होकर रहेंगे, तो ये सोलेंट्री और कॉलोनियल इसकी बॉडी फॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा का बॉडी कवरिंग। बॉडी के ऊपर क्या कवरिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे अंदर स्किन प्रेजेंट होती है वैसे इनके अंदर एक टेस्ट प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को टेस्ट बोला जाता है। ये एक थिक लेदरी एंड प्रोटेक्टिव कोट होती है, ठीक है, थिक लेदरी एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, इसी को टेस्ट बोला जाता है। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक हर्डमानिया को ट्यूनिकेट्स बोला जाता है, ट्यूनिकेट इसी टेस्ट की वजह से ही इनको ट्यूनिकेट्स बोला जाता है, ट्यूनिकेट्स यानी कि इनके अंदर ये क्या प्रेजेंट होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक बॉडी कवरिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है बॉडी अपेंडिजेस, कौन कौन से बॉडी अपेंडिजेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर, इसके अंदर पेयर्ड एंड अनपेयर्ड अपेंडिजेस बॉडी के ऊपर लैक होते हैं, ना पेड होते हैं ना अनपेड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट ओइकोप्लूरा, इसके अंदर लार्वा हैज अ टेल फिन, लार्वा के अंदर टेल फिन प्रेजेंट होते हैं, बाकी सबके अंदर क्या होता है यहाँ पे, लैक होता है पेड एंड अनपेड अपेंडिसेस। इसके बारे में जो ओइकोप्लूरा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके बाद इसकी बॉडी वॉल और मेंटल, ठीक है, एक कवरिंग होती है जिसको बॉडी वॉल या फिर मेंटल बोलते हैं, तो ये जो बॉडी वॉल है, बॉडी की जो वॉल्स है एंड मेंटल है, इसके अंदर मेनली आउटर, मिडल एंड इनर तीन प्रेजेंट होती है बॉडी वॉल। आउटर एक सिंगल लेड एपिडर्मिस की बनी होती है, सिंगल लेड एपिडर्मिस होती है जो कि फ्लैट एंड हेक्सागोनल सेल्स की बनी होती है, ठीक है, ऐसे फ्लैट होंगी एंड हेक्सागोनल सेल्स होंगी, फ्लैट एंड हेक्सागोनल सेल्स की ये बनी होती है एंड ये कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है एंड ये टेस्ट को सिक्रीट करती है, इट सिक्रीट्स टेस्ट, इस टेस्ट इसके ऊपर बॉडी कवरिंग इसके ऊपर प्रेजेंट होगी, बॉडी वॉल होगी देन बॉडी कवरिंग होगी, तो ये जो आउटर मोस्ट यहां पे बॉडी वॉल होगी वही क्या करती है, टेस्ट को सिक्रीट करती है। मिडल जो है इसको मेसेंचाइम ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की, नर्व फाइबर्स की, स्मूथ मसल फाइबर्स की, ब्लड साइनसेस की ये बनी होती है।
ठीक है। मिडल क्या होगी, मेसेनचाइम होगी जो कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, मसल फाइबर्स एंड इसके अलावा यहाँ पे ब्लड साइनसेस की एंड नर्व फाइबर्स की बनी होती है। एंड द इनर मोस्ट एट्रियल एपिथीलियम होती है जो कि फ्लैट एंड एक्टोडर्मल हेक्सागोनल सेल्स की बनी होती है। फ्लैट एंड हेक्सागोनल एक्टोडर्मल सेल्स की ये बनी होती है। तो इस वे में तीन बॉडी वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। आउटर होगी एपिडर्मिस, मिडल होगी मेसेनचाइम एंड इनर होगी यहाँ पे एट्रियल एपिथीलियम। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वल फॉर्म। इसके यूरोकॉर्डेटा के जो यूरोकॉर्डेटा वर्ड है उसका मीनिंग भी यही है कि उनके अंदर टेल जो है वो क्या होगी यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा यानी टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है यहाँ पे। एंड तो इसके अंदर क्या होगा, नोटोकॉर्ड ओनली इन द टेल ऑफ द लार्वल फॉर्म। और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सिर्फ लार्वल टेल के अंदर, लार्वा होगा उसकी टेल के अंदर ही यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फीचर है इसका एट्रियम। एट्रियम जो है ये एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, एसिलोमेट्स होते हैं बट हाउ एन एक्टोडर्मल लाइंड कैविटी। लेकिन इनके पास एक एक्टोडर्मल लाइंड कैविटी होती है, इसी को एट्रियम बोला जाता है या फिर इसको पेरिब्रेंकियल कैविटी बोला जाता है। एट्रियम और पेरिब्रेंकियल कैविटी इसको बोला जाता है। और गिल स्लिट्स, एनस एंड जेनिटल डक्ट्स ओपन इन दिस एट्रियम, ठीक है। जो भी पोर्स होंगे, गिल स्लिट्स के होंगे, एनस के हो गया, जेनिटल डक्ट्स हो गए, ये सारे की सारी इस एट्रियम के अंदर ओपन होती है। एंड ये जो एट्रियम है ये क्या होता है, ये एट्रियोपोर के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। पोर होगा एट्रियोपोर, उसके थ्रू ये आउटसाइड ओपन होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट करेक्टर है एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनके अंदर एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मीनिंग होता है एक इंजेशन के लिए पोर होगा, एक इजेशन के लिए पोर होगा। एंड इसके अलावा फिल्टर और सिलेरी फीडर्स होते हैं, ठीक है। फिल्टर और सिलेरी फीडर्स होंगे, जो भी फूड आएगा वाटर करंट के थ्रू उसको क्या करेंगे, ये लाइक इनका जो हैबिटेट होता है मरीन होता है, तो जो भी फूड वहां पे आएगा उसको ये क्या करेंगे, अंदर लेंगे एंड उसको एक तरह से सीलिया हो गया, जैसे सिलेरी फीडर हो गई या फिर फिल्टर करेंगे, उस फूड को फिल्टर करेंगे एंड देन उसको इंजेस्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर गिल स्लिट्स और स्टिगमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होते हैं यहाँ पे गिल स्लिट्स और स्टिगमेटा होते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होती है, उसकी जो टेस्ट होती है, जो बॉडी कवरिंग होती है, वो भी इस एक एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन और लेक्यूनर टाइप होता है, ठीक है। कोई वेसल्स इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होगी, लेक्यूने प्रेजेंट होंगे, लेक्यूनर और ओपन टाइप होता है। हार्ट जो है इसका वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इसके अलावा हार्ट न्यूरोजेनिक होता है, लाइक अगर हम मैमल्स की बात करें, हार्ट वहां पे मायोजेनिक होता है, मसल्स का बना होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रोसाइट्स हो सकते हैं जो कि फ्रीली प्रेजेंट होंगे। एंड पाइलोरिक ग्लैंड हो सकती है। पाइलोरिक ग्लैंड क्या होती है, इंटेस्टाइनल फोल्ड्स होते हैं, इंटेस्टाइनल फोल्ड्स होंगे। या फिर न्यूरल ग्लैंड हो सकती है, यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड्स क्या होंगी, जो कि यहाँ पे गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, उनके अंडर प्रेजेंट होगी न्यूरल ग्लैंड। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम और के ऑर्गन्स हो सकते हैं यहाँ पे। नर्वस सिस्टम के अंदर, इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ लार्वल फॉर्म के अंदर ही प्रेजेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ लार्वा फॉर्म होगी उनके अंदर ही प्रेजेंट होगा। अडल्ट के अंदर सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिंगल डोर्सल नर्व गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड कुछ नर्व प्रेजेंट होगी, सर्टेन नर्व्स प्रेजेंट होगी यहाँ पे अडल्ट के नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंस ऑर्गन्स जैसे हमने देखा था, ये सिडेंटरी मोड जो है होता है, सिडेंटरी मोड के अंदर होता है, तो इसको कोई ज्यादा सेंस ऑर्गन्स इसके, इसको जरूरत भी नहीं पड़ती और इसके डिवेलप भी नहीं होते, बिल्कुल सिंपल टाइप इसके अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर ये जो है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफ्रोडाइट हो सकता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्मेफ्रोडाइट हो सकता है, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों
जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल मोनोसिस और हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट है ये, इसके अलावा ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है। ऐसा नहीं है कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है तो वो क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करके फर्टिलाइजेशन कर लेंगे या फिर रिप्रोडक्शन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म का जो मेल है, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो फीमेल है, वो क्या करेंगे, आपस में फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है ड्यू टू, क्यों होगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू, या तो इसके अंदर प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है या तो इसके अंदर प्रोटेंडस कंडीशन होती है। प्रोटोगाइनस, गाइनस वर्ड जो है फीमेल के लिए, यानी कि इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, ओवरी जो है वो पहले मेच्योर हो जाएगी, प्रोटो मीन्स पहले हो जाएगी। एंड यहाँ पे एंड्रस वर्ड है जो कि मेल के लिए आएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, टेस्टिस है, वो मेच्योर हो जाएंगी। तो इसके अंदर प्रोटेंड्रस या फिर प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है जिसकी वजह से इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करनी पड़ती है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर एक्सटर्नल होती है हमेशा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, एक लार्वा इंक्लूड होता है, उस लार्वा को टैडपोल लार्वा बोला जाता है, एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है टैडपोल लार्वा, इसके थ्रू इसकी डेवलपमेंट होती है। एंड ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है जिसके थ्रू अडल्ट के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है या फिर हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो यूरोकॉर्डेट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू एक्सटर्नली बड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके थ्रू ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। एंड बॉडी टेम्परेचर जो है इनका, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड या फिर पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स होंगे। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो गई, इसके बाद नेक्स्ट आती है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन, कि सब फाइलम को किस किस नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।